पूरा रोड ट्रैक है जहाँ पर चल के जाना पड़ता है। डाउन की तरफ अभी आप और सरकार से विनती कर ही रहे रोड पहुंचने में, तब तक ये पहुंच गए हम अपने गांव के पूजा स्थल पे। यहाँ हम अपने देवी देवताओं को पूजेंगे और यहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए कितने अच्छे से सफाई कर रहे हैं। यहाँ का मेहनती बच्चा पसंद करेंगे हो गया है ना, ठीक है यार। जमीन गिरा था कुछ नहीं, तमाम तमाम ठीक है। ये पूजा की तैयारी क्या पकड़ी आ गए सिरदंग से सभी जवान बूढ़े अगरबत्ती में रहिए का अगरबत्ती। यहाँ दिया जलाने के बाद अगरबत्ती जलाया जाएगा और ऐसे घंटी बजाया जाएगा। यहाँ से अब सट्टू को इस तरीके से लपेटा जाएगा। पानी देखने जाना पड़ेगा रे। हम क्यों जाए तू जल्दी बना रहा हूँ भी तो मारना पड़ेगा, नहीं तो जा रहे हम तेरे तू जा रहे तू नहीं मारता। मैं भी मारने जा रहा हूँ पाउडर मार रहे हैं तो पूजा पूजन के बाद अब खाना बनाने की तैयारी, खाना कंप्लीट होने की बनने की तैयारी चल रही है। उसके बाद दोबारा
शामी शामी मसाला लाए मीट मसाला लाए मिलके खाएंगे गांव वाले मसाला आपके बाबू के लिए ला रहे हैं अरे पहले से पतला आदमी है बचपन का दिखाऊंगे अपना देखिए अपनी कहानी सुना रहे हैं सुना रहा है झूले ला रहे झूले ला रहे हम नहीं सुनाएंगे भैया दो महीने खा के ना दिखाएं और हिलाएंगे बांगड़ू जाएगा छांगड़ू बांगड़ू इसमें मिला सर्जे में सर चलो कत्या का जाम के खाली थी ना अरे जब तक हमारा खाना तैयार होता है तब तक थोड़ा गांव का भ्रमण करा देते हैं चले ये पुराने खंडर पड़े पहले यहाँ मकान हुआ करते थे पूजा के लिए ढलंग ढलंग बना धूम करते हुए देवू भैया बनाते हुए मेरे हलाह की स्वाद है मेहनत का काम तो ससुर हूँ मैं क्या क्या हूँ ये साला ये गति नहीं करते क्या तुम बताओ पीट दूँ नहीं वैसे मैं चचा को कैसे भी देखता सब बढ़िया है वो ठंड वाला आज मैं तुम्हें जेठा चला चला इसको हल्का फुल्का सजाया जाएगा और यहाँ प्रसाद तैयार हो रहा है फल कट रहा है लोग इंतजार कर रहे हैं खाना पक रहा है जमा चिंचा तैयार हो गया ये तैयार हो गया दलन देखिए पूरे अच्छे से सजा दिया है तैयार कर दिया है बाकी गांव के लोगों का इंतजार किया जा रहा है फिर पूजा जाएगा फिर भोजन प्रारंभ होगा भोजन और आदमी है यहाँ के गांव के बुजुर्ग लोग के लिए अच्छा सोचते हो अपनी लोग काफी गौर से निरीक्षण करते हुए कल ले नहीं समझे तो यहाँ कल से भेज दिया
इंतजार में। तो गाइस आधे पौन घंटे के बाद सब लोग यहाँ जमा हो गए और अब पूजने की तैयारी, जिसके बाद खाना खाया जाएगा। जैताल बनानी यार, जैताल है। क्या करते हो आप? सभी लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पर। क्या होता है? कहीं रहना है। फिर बाजी पास में चावल पकड़ते हैं। खुशियाँ लोगों को अभी तो मौका मिल रहा है। यो सबसे स्टब छागु ठोक से छागु पास कहा ताली को ता यो ऐसे बांटने में तो कोई क्या करे? होम वगैरह कर चुके हैं। फिर सा कौवा कौवा तो सीधा चला हूँ। ये कौवे के लिए सबसे पहले चक्की हूँ तो गाँव में जाता है कि चक्की करते कौवे हमारे पूर्वज होते हैं तो सब में से थोड़ा थोड़ा डाला जाएगा। ये है मटन ग्रेवी, वो है राइस। सुनी 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 यों कलवा यों कलवा तेरी हुई सोनो दंती रुक जा और दंती हुई नहीं है ना ना कॉफी आज लोग उतना छोड़ना रहे तुझे ताला लगा तेरे को ढूंढना इसमें भी वो तो मिल जाएगा बोला खा जाएगा ना बोलो बोलो यहाँ बांटने का काम करेंगे। मटन है, मटन के पीसेस सभी को एक एक पीस मिलेगा तो खाने के साथ बटेगा। काफी अच्छा काम कर रहे हैं देखिए। जहाँ जहाँ केला मिलेगा वहाँ तक बांट देता हूँ। ये देखिए हाथ में दिया है प्रसाद और ये जैताल मामा अब जंग ने एक घंटा करने चित अब हम कहाँ फुर्स इतना ज्यादा जिम प्रसाद तो गाइस पूजा सब कुछ यहाँ हो गया है। अब सब यहाँ से प्रस्थान भी कर चुके हैं। अब हम भी यहाँ से निकलते हैं और बंगबा वाले घर की तरफ रवाना होते हैं। यह है गांव का काफ़ी पुराना
घट जिसे चक्की भी कहा जाता है, ये पानी से चलता है। यहाँ आटा गेहूँ पिसाई के लिए, गेहूँ मड़ुआ सब इसी घट में पिसता है। आगे वाले में ऊपर से डाल के नीचे से पानी घुमाता है और ये चक्की घूमते रहता है। ऐसे रंग मैं घुमाता हूँ। अब देखेंगे आप किस तरीके से घट चलता है। ऊपर से पानी छोड़ दिया है और यहाँ से हम इस स्टॉपर को यहाँ से हटाएंगे। इसका प्रयोग जब यहाँ आटा जमा हो जाता है तो इसे उठाने के लिए काम करते हैं, उठाया जाता है इसे। नहीं चला, हल्का हिला बस। और देखिए इस प्रकार चलता है यहाँ का घट चक्की, आपको दिखाएंगे। यहाँ से पानी आते हुए और यूज करते हुए यहाँ से नीचे की ओर जाता है और नीचे पहिया हिलता है। रुको, और इसी के फोर्स से ये घट घूमता है यहाँ पर। यहीं से जब चक्की को चलाना होता है तो यहीं से इसको फाटक को खोला जाता है, तब घट चालू होता है। ये बिना बिजली से चलने वाला घट है, मैनुअल, जब पानी के फोर्स से चलता है। अब हम इसको लॉक कर देंगे यहाँ से, ठीक है, हमें पीसना तो है नहीं। अब घर की तरफ। आज काफ़ी चहल पहल है हमारे गली में, सभी शिवधन के लोग आए हुए यहाँ पर, अपने अपने घरों के बाहर बैठे हुए सब मीट भात खा के सब लोग पस्त पड़े। पहली बार आया गर्मी में भीड़भाड़ के में बारिश, ठंडा ठंडा मौसम। यहाँ पर मजे ले रहे हैं बंगला में। अब चाय पीने जाएंगे। लिखी मारी हुई गंगा पे बंगा भी रहा है।
बंगो में गरम गरम चाय का आनंद लेते हुए सभी। बारिश के मौसम में चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए बरसात में बंगबा में बैठे सभी। काफी अंधेरा कुछ भी नहीं दिख रहा है दिखाई नहीं दे रहा यार चाय चाय